नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 67.90 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 2.03% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,28,310 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 96.40%, बुक वैल्यू 14.80 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 48 के आसपास मीडियम है एंड बिल्कुल ही छुटकू सी ऊपर है। तो अभी सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू, क्योंकि ये बैंक है, फाइनेंस का स्टॉक है, तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखें आज हमें यहाँ पे 2% का मूव मिला है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम आया था वो था 11.47 मिलियन का एंड आज जो वॉल्यूम आया है 24.79 मिलियन का है। तो वॉल्यूम में जंप देखा गया है डबल के आसपास का एंड डबल से ऊपर ही है इनफैक्ट। एंड यहाँ पे हमें ये इन्वर्टेड हैमर बनाता हुआ दिखाई दिया है स्टॉक। कहीं ना कहीं यहाँ आज इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी जो 68.90 पे है, तो इसको ये कर नहीं पाया। वैसे 68.70 पे है एंड इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस कर नहीं पाया, रिजेक्शन इसको मिली है ऊपर से एंड इसके ने क्लोजिंग जो है वो काफ़ी नीचे दी है। तो ये छोटे छोटे से जो रेजिस्टेंस है ना उनको भी एक बार हम लगा के चलते हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस है जो इसको फेस करनी पड़ रही है एंड जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है आज। एंड सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि ये वाला सपोर्ट एक बन चुका है एंड इसकी जो इसकी ओपनिंग है एंड जो इसकी क्लोजिंग है ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन चुका है। क्योंकि पुरानी कैंडल्स का देखें तो विक यहाँ पे है एंड अभी के लिए ऊपर का भी एक हम रेजिस्टेंस लेके चलते हैं जहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। तो यहाँ पे देखिए इसका हाई ये है, इसका क्लोजिंग ये है, यहाँ पे हाई इसने ये लगाया है, आज का कहीं का हाई उसके आसपास ही रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो 20 जून का टारगेट है उसको रीच करने के लिए हमें 15% की ज़रूरत है एंड जो हमारा जुलाई के एंड का टारगेट है उसको रीच करने के लिए, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी और किस तरीके से मैंने पैटर्न बनाए हैं तो वो आप देख सकते हैं, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें भी काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन की है। एंड उसको रीच करने के लिए हमें 63.66% के मूव की ज़रूरत है। ये टारगेट हमने पुरानी चीज़ों को एनालाइज करके लिए हैं कि कितने परसेंट के मूव ये यूजली देता है, तो उसको एनालाइज करके लिए हैं। जितने मूव ये देता है उससे तो हम काफ़ी कम के टारगेट लेके चले हैं, बट यस हम यहाँ पे टारगेट ये वाले लेके चले हैं। एंड दो महीने में किस तरीके से देता है वो कल की वीडियो में, जो कि है 11 जून की वीडियो, 11 जून की वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो अभी के लिए देखें फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री यहाँ पर बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश पैटर्न जरूर बन रहा है एंड ट्रेडिंग व्यू ने भी यहाँ पे बाई का दिया है टेक्निकल एनालिसिस। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे बन सकती है फ्रेश एंट्री, बट वॉल्यूम को जरूर ध्यान में रख के चलेगा कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम अगर ये सस्टेन करता है या इसके ऊपर आता है तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री बन सकती है, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है स्टॉक में, ठीक है। तो एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए प्राइस बैंड इसका 20% का हो चुका है एंड न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं है जिसके प्राइस के अप या डाउन में किसी तरीके की मदद करेगी। जो न्यूज़ थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है एंड उसके बाद हमें कुछ खास यहाँ पे दिखा नहीं है उसका असर, तो अभी के लिए वो काफ़ी न्यूज़ पुरानी हो चुकी है। आरएसआई की बात करें तो 52.65 पे है आरएसआई, डेली आरएसआई, एंड वीकली आरएसआई चेक करें तो 62.74 पे है। यहाँ पर ये हॉल्ट बना के टिल्ट ले रही है एंड हो सकता है कि यहाँ से हमें थोड़ा सा मूव मिलने की संभावना हो। अभी इसने बनाया है यहाँ पे बहुत सुंदर सा डॉजी, पर ये सिर्फ 3 दिन की वीक की कैंडल बनी है, 3 दिन हुए हैं अभी इस वीक के, तो उसी की कैंडल बनी है, पूरे 1 वीक की नहीं है, 2 डेज अभी रहते हैं। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूर बायर्स के हाथ में स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि न्यूट्रल था यहाँ पर डॉजी बना है, तो यहाँ पर मैं अभी 100% नहीं बोल सकती बायर्स के हाथ में स्टॉक है, बट मुझे लगता है कि 50-50 है, 55-45 के आसपास है, कि 55% बायर्स के हाथ में एंड 45% जो है सेलर्स के हाथ में, क्योंकि इसके ऊपर है थोड़ा सा एंड डॉजी बना है, तो हो सकता है कि ऊपर का ब्रेकआउट दे, क्योंकि अभी वैसे तो डॉजी के बाद कोई भी कैंडल बन सकती है, जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही कैंडल बनेगी ग्रीन डॉजी के बाद, ग्रीन डॉजी के बाद रेड कैंडल भी बन सकती है या रेड डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, क्योंकि इनके ये डॉजी जो होता है इसका जो
कलर है वो मैटर नहीं करता है ज्यादा, उसकी वेटेज मैटर करती है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा संभल के चलना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। एंड वैसे मुझे लगता है कि जिस तरीके के इसके रिजल्ट्स रहे हैं, जिस तरीके के कंपनी काम कर रही है, जिस तरीके से सारा कुछ है, उस तरीके से इसमें अभी रिजल्ट आए नहीं है। एंड होपफुली जल्दी ही यहाँ से ब्रेकआउट देगा और काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।